इस बीच हमारे चैनल हेड ब्रिजमोहन सिंह रघुवंशी ने जब कैब ड्राइवर से बातचीत की तो पता चला कि यहां कैब चला रहा युवक पाकिस्तान का नागरिक है, जिसे पीएम मोदी के किए गए कार्य काफी पसंद है। तो जैसा हमने आपसे बताया था, अबू धाबी में हम तमाम ऐसे कई सारे पहलुओं पे, कई सारे आपको उन लोगों से यहाँ के जो यूएई में अबू धाबी की जो यहाँ की परिपाटी है, जो यहाँ की व्यवस्था है, उसके बारे में आपको परिचित कराएंगे। हम आपको देखते हैं, आपको बताते चले कि आप देखिए शहर का ये जो डेवलपमेंट है, इस्लामिक देशों की जब भी बात होती है तो जब हम बातचीत करते हैं तो लगता है कि वहां पर खास विचारधारा की मानसिकता होती है, लेकिन जब हम यूएई में आते हैं और यहाँ की जब हम, आप देखिए कि जो जिस प्रकार का यहाँ का सौंदर्य है, जो डेवलपमेंट है, वो अपने आप में बहुत कुछ बताता है। और इसी संदर्भ में आज अभी हम उबर में बैठे हैं और हमारे साथ यहाँ पे इत्तेफाक से जो हमने उनसे बातचीत की तो वो उन्होंने बताया वो पाकिस्तान से, और जब पाकिस्तान की बात आती तो आपको लगता है और लोगों में बड़ी जिज्ञासा आती है, लेकिन हम ऐसे किसी भी नेगेटिव विचारधारा की हम बातचीत नहीं करेंगे, हम एक साधारण सी बात करेंगे। जी आपका शुभ नाम क्या है? शारिक, शारिक नाम है मेरा। और शारिक जी आप कब से हैं यहाँ पे? मुझे 1 ईयर हो गया है, 1 साल हो गया तकरीबन। तो आप पाकिस्तान में किस जगह से हैं? मैं पाकिस्तान बेसिकली पंजाब से हूँ, लाहौर से कह लें आप। अच्छा एक बड़ी बात यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब हम हिंदुस्तानी जब भी बात करते हैं पाकिस्तानी से तो सबसे पहले एक घंटी सी बजती है, वो नेगेटिव घंटी बजती थी, लेकिन हम कल यहाँ पे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पे एक 2 दिवसीय कार्यक्रम में आ रहे हैं, एक आपकी जनरल हम आपकी बातचीत पूछना चाहेंगे, आपसे विचार, और आप इसका सवाल का जवाब ना भी देना चाहे वो भी आपके ऊपर है। प्रधानमंत्री मोदी जी के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? जी अच्छी बात है, वो आए यहाँ पे, मतलब बेहतर है, हमें तो इससे मतलब वो नेगेटिव तो सोच नहीं है हमारी, मतलब ठीक है, पॉजिटिव माइंड रखना चाहिए बंदे को, और सही है, मतलब वो आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, वो सही है अपनी जगह पे बिल्कुल। अच्छा भारत पाकिस्तान की जब बातचीत आती है तो आप यहाँ यूए में रहते हैं, यहाँ तो मुझे जितना बेहतरीन एक सौहार्द वाला माहौल लग रहा है, जिससे लगता है कि हम कहीं ना कहीं एक बहुत खूबसूरत से शहर में हम यहाँ पे हैं, यहाँ पे आपको लगता है कि एक जो नेगेटिव मेंटालिटी थी उसको खत्म होकर के सब साथ में, पूरा विश्व एक परिवार की तरह है, उस बारे में आपकी क्या सोच है? नहीं हम सब एक ही जैसे हैं तकरीबन, मतलब सब मिलजुल के काम कर रहे हैं, तो इस तरह का कोई नेगेटिव नहीं है हमारे अंदर, मतलब जो मतलब गलत लोगों ने अफवाहें उड़ाई हैं कि मतलब हम इस तरह समझते हैं, लेकिन इस तरह है नहीं, मतलब हकीकत में तो मेरा तो यही ख्याल है कि मतलब हमें एक जगह मिलजुल के काम करना चाहिए, मतलब ठीक होना चाहिए। थैंक यू शारिक जी, आपने हमसे बातचीत की। तो ये आप देख सकते हैं दिखाया क्या जाता है बताया क्या जाता है, 2014 से पहले की स्थितियां इसलिए खराब थी क्योंकि पहल नहीं की गई, और ये मैं कह सकता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बाद से, 2014 के बाद से पूरे विश्व में एक अलग मैसेज है, और भारत की अपनी स्थिति कहीं ना कहीं मजबूत अगर हो रही है उसमें मोदी जी की अहम भूमिका है। आबू धाबी से मैं ब्रिजमोहन सिंह रघुवंशी, वीडियो जर्नलिस्ट सपना चारण के साथ साधना टेलीविजन के लिए।